हेलो दोस्तों, मूवी फिक्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बिगिनर्स के लिए, मतलब जो लोग नए नए दुकानदार है वो लोग ये सेपरेटर मशीन से एलसीडी को कैसे पीडीए से या फिर ग्लास से अलग कैसे करते हैं उनको नहीं पता। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, नए टेक्नीशियन भाई के लिए है। तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, मैं पहला जो स्टेप है वो यही है कि यहाँ पर जो ऊपर ग्लास मेरा देखिए बहुत ही स्मूथ सा है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ ग्लास आता है जो ऊपर बहुत ही स्मूथ सा है, यहाँ पर मैं सेपरेटर मशीन में आपको यहाँ पर ऊपर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेपरेटर मशीन में नहीं बैठेगा यहाँ पर, तो ऐसा भी डिस्प्ले आता है। और कई कई डिस्प्ले ये भी आता है कि बहुत ही ऊपर ब्रोकन रहता है। तो इस समय हमें क्या करना है, ऊपर एक टेप मार लेना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें डिस्प्ले के ऊपर साइड या पीछे साइड जहाँ पर डिस्प्ले का पत्ता होता है, यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर ये डिस्प्ले जो पत्ता है ना वो सही से निकाल गया कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ। तो ऐसे करके आपको भी निकाल लेना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद डिस्प्ले के ऊपर हमें एक टेप मार लेना है ऊपर साइड, यहाँ पर जो मेरा बहुत ही स्मूथ सा है। अगर आपका यहाँ पर ब्रोकन भी है तब भी आप यहाँ पर थोड़ा सा टेप मार लीजिए, ताकि जब आप डिस्प्ले को काटेंगे ना तो उस टाइम ग्राफिक्स वगैरह कुछ ना ब्रोकन हो जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पर टेप मार लेना है अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से एक सेलो टेप मार लेता हूँ। अभी ये मार्केट से खरीद सकते हो ये टेप वाला। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टेप को मार लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक रोलर लेके जो मार्केट में मिलता है उसको लेके आप यहाँ पर अच्छी तरह से टेप को मार ले। पूरे डिस्प्ले में आपको यहाँ पर लगाना है। आप अगर आपका डिस्प्ले स्मूथ भी है तब भी लगाना है, और अगर यहाँ पर डिस्प्ले ब्रोकन है तब भी यहाँ पर टेप लगा लीजिए फॉर सेफ्टी। ऑल राइट, तो यहाँ पर मेरा अच्छी तरह से टेप लग चुका है, आप देख सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पर कहाँ से वायर लेके काटना है, यहाँ पर जो ग्लास को या फिर वीडियो को निकालना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये नॉच डिस्प्ले जो यहाँ पर, अगर यहाँ से कटेंगे ना तो फिर ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी टूट सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको अगर नीचे से कटना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नीचे भी, क्योंकि ग्लास मेरा ब्रोकन नहीं है, ग्लास ओके है, तो आप यहाँ पर नीचे से काट सकते हो। अगर यहाँ पर आपको नीचे ब्रोकन है तो आप ऊपर से काटना, क्योंकि अगर जहाँ ब्रोकन होता है वहाँ से अगर आप काटना चालू करेंगे ना तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर मेरा डिस्प्ले वगैरह और ग्लास वगैरह बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर नीचे से जहाँ पर डिस्प्ले का पत्ता है वहाँ से मैं काटूँगा, यहाँ पर ऊपर से नहीं काटूँगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेपरेटर मशीन में दे देता हूँ, लगा देता हूँ हीटिंग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि सेपरेटर मशीन में हीट को कहाँ से मैं कंट्रोल करूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे मैं अपना मशीन में 70 पर सेट किया है, तो आप अपना मशीन में सेट कर लीजिए। आपका मशीन में 70 में भी हो सकता है, 80 में भी हो सकता है, 90 में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी मशीन कौन सा क्वालिटी है और कितना हीट कंज्यूम करता है। तो मेरा मशीन में मैं 70 पर सेट कर चुका है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कंप्रेसर लगा देता हूँ, और जैसे आप देख सकते हो कोई भी हिल नहीं रहा है। ये जो डिस्प्ले है बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका है। आपको यहाँ पर वायर लेके कटने से पहले देख लेना है कि अगर आपका कॉम्बो जो फोल्डर है वो अगर हिल रहा है तो दिक्कत आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको देख लेना है ऐसे हाथ लगा के कि डिस्प्ले कोई हिल रहा है कि नहीं। और यहाँ पर हीटिंग भी आपको चेक कर लेना है कि डिस्प्ले थोड़ा बहुत हीट हो चुका है कि नहीं। तो इसके बाद आपको वायर को लेना है और अपनी उंगलियों में अच्छी तरह से ये इसको पकड़ लेना है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसे करके आपको उंगलियों में अच्छी तरह से टाइट करके वायर को पकड़ लेना है। इससे क्या होगा, वायर जो है वो बार बार टूटेगा नहीं। और कई टेक्नीशियन गलत तरीके से लेता है और घिसता है वायर को, तो इसलिए उसका वायर जो ज़्यादा टूटता है। तो अगर आप ऐसे वायर को लेंगे जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ, अगर आप ऐसे लेंगे तो फिर वायर नहीं टूटेगा। ओके, तो आप यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपको कहाँ से यहाँ पर करना है। ये जो डिस्प्ले में जो यहाँ पर जो नीचे ब्लैक वाला जो ग्लास है ना वहाँ से आपको कटना है। और अगर आप थोड़ा बहुत अंदर लगा देंगे डिस्प्ले के तो फिर ग्राफिक्स वगैरह टूट सकता है, डिस्प्ले में लाइनिंग भी आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसमें आपको क्या है, अच्छी तरह से केयरफुली यहाँ पर आपको वो जो ब्लैक वाला ग्लास है ना इसके ऊपर से आपको वायर लेके कटना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। लेकिन यहाँ से हाँ दोस्तों, केयरफुली आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को देख सकते हो पहले आपको एक कोने को कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि पहले से कोई भी एक कोने से आपको कर लेना है केयरफुली, यहाँ पर हल्के हाथों से आपको काम करना है। तो मेरा इस साइड तो कट चुका है, तो मैं अब वायर को निकाल लेता हूँ और दूसरी साइड से दूसरे कोने से मैं यहाँ पर ग्लास को कट लूँगा आराम से, जैसे मैं इस साइड में ही करा था केयरफुली। तो ऐसे करके और नीचे ज़्यादा आपको प्रेशर देना है, ऊपर नहीं। अब अगर ऐसे ऐसे ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो फिर डिस्प्ले का ग्राफिक्स टूट सकता है, ब्रोकन हो सकता है। तो ऐसे करके आपको क्या है, वायर को नीचे ज़्यादा प्रेशर देना है, नीचे मतलब जहाँ पर ग्लास है उस तरफ ज़्यादा प्रेशर देना है, डिस्प्ले के ऊपर साइड नहीं।
तो ऐसे करके आपको अब वायर को लेके यहाँ पर घिसना है, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐसे करके आपको वायर को अंदर से घिस के लाना है बाहर। तो ऐसे करके करना है जैसे मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, तो मेरा वायर टूट चुका है। तो उसके बाद मैं फिर से वायर लेता हूँ कि इससे वायर टूटता क्यों है, क्योंकि हीटिंग मैशिंग में है ना, तो इसलिए वायर टूट जाता है कभी कभी। तो ऐसे करके आपको वायर को लेके अंदर लगाना है, और जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपको देखना है कि एक तरफ वायर को ज़्यादा खींच लेना है और उसके बाद दूसरे तरफ वायर को ज़्यादा खींच लेना है। ऐसे करके आपको काटना है आराम से, इससे क्या होगा जल्दी भी काम होगा और डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगा, डिस्प्ले आपका ओके रहेगा। तो ऐसे करके आराम से आपको कर लेना है। ऑल राइट, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो ऊपर से मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपको डिस्प्ले पत्ते की तरफ से अगर आपको काटना है तो कैसे काटेंगे, तो मैंने दिखा दिया। और अगर आपको यहाँ पर नॉच से काटना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो नॉच से काटना है तो कैसे काटेंगे, वो भी मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई डिस्प्ले आता है जिसमें आपका नॉच की तरफ ओके है लेकिन डिस्प्ले की जो पत्ता है उसमें ब्रोकन है, तो आपको क्या करना है नॉच की तरफ से काटना है। तो इसको मैं उल्टा घुमा देता हूँ, इस डिस्प्ले को मैं उल्टा घुमा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि नॉच से अगर आप कटेंगे तो कैसे कटेंगे, क्योंकि दिक्कत यही होता है कि बहुत सारे टेक्नीशियन भाई जो है वो अगर नॉच की तरफ से काटता है ना तो फिर डिस्प्ले का ग्राफिक्स वगैरह टूट जाता है और प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर नॉच की तरफ से भी कैसे काटना है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले लगा चुका हूँ और इसके बाद कंप्रेसर को ऑन कर दिया और आपको देख लेना है कि डिस्प्ले हिल रहा है कि नहीं। और फिर आपको वायर लेना है और आपकी उंगलियों में अच्छी तरह से टाइट से पकड़ लेना है अपनी वायर को, और उसके बाद धीरे से जैसे मैंने वो डिस्प्ले पत्ते में भी दिखाया था एक कोना से काटना है, तो यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस है, एक कोने से हल्के हाथों से आराम से यहाँ पर कट लेना है डिस्प्ले को, ग्लास से निकाल लेना है। तो ऐसे करके जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके आपको करना है। ओके, तो मेरा एक कोना से कट चुका है और दूसरे कोना से आपको वहाँ पर भी केयरफुली हल्के हाथों से यहाँ पर दूसरे कोना से भी डिस्प्ले को ग्लास से अलग कर लेना है, कट लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऐसे ही आपको हल्के हाथों से करना है। आपको यहाँ पर हल्के हाथों से काम करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, हल्के हाथों से केयरफुली आपको यहाँ पर डिस्प्ले को काटना है ग्लास से। तो ऐसे करके एक तरफ ज़्यादा वायर को खींच लेना है और फिर दूसरे तरफ ज़्यादा वायर को खींच लेना है, ऐसे ऐसे करके जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके आपको डिस्प्ले को ग्लास से अलग करना है। तो ऐसे करके आपको केयरफुली हल्के हाथों से काम करना है। यहाँ पर आप लोगों को वायर को 3 से 4 बार मिनिमम यहाँ पर आपको वायर को अंदर लगा के यहाँ पर घिसना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर डिस्प्ले को ग्लास से अलग करना है और ये डिपेंड करता है कि आपको डिस्प्ले का जो ग्लू है, जो डिस्प्ले और ग्लास में जो ग्लू है वो कौन सी क्वालिटी का है। अगर वो ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम पर यहाँ पर वायर को अंदर लगाना है, फिर ऐसे ऐसे घिसना है और फिर ग्लास और डिस्प्ले को अलग करना है। और इसके बाद जब आपको लगे कि डिस्प्ले और ग्लास अलग हो चुका है, जैसे मैं यहाँ पर वायर को अंदर घिसा रहा हूँ जैसे आप देख सकते हो आराम से चला जा रहा है, तो फिर आपको हल्के हाथों से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले को ऊपर तरफ ऐसे करके खींच लेना है। तो ये आराम से करना है, ज़्यादा प्रेशर मत देना यहाँ पर, तो फिर ग्राफिक्स और डिस्प्ले टूट सकता है। तो ऐसे करके आपको डिस्प्ले को निकाल लेना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।